भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर रहते हैं, आज कांग्रेस को लेकर डिबेट है, इसलिए ज्यादा बीजेपी की तरफ नहीं जाते हुए जरा कांग्रेस के आंकड़े देख लेते हैं। अगर देश के 12 राज्यों का जो महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिए, उनका रिसर्च मैंने निकाला था, 247 लोकसभा की सीटें आती है, यहाँ पर 10 राज्यों में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है, लेकिन 2019 में इनमें से सिर्फ 31 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि पूरी की पूरी सीटें एक तरीके से इन 31 को छोड़ दें और बाकी क्षेत्रीय दलों को कुछ छोड़ दें तो बीजेपी के खाते में चली गई थी। कहां कहां अच्छा कर सकती है कांग्रेस, विशाल मिश्रा जी आप भी, केके शर्मा जी आप भी सुनिएगा जरा गौर से। देखिए पंजाब जहां पर उसको 2019 में 13 में से 8 सीटें मिली थी, 40% वोट शेयर रहा था। हरियाणा में 10 में से 0 सीट मिली थी लेकिन वोट प्रतिशत 28 रहा था। राजस्थान में वो नहीं जीत पाई थी, 25 में से एक भी सीटें, 34% वोट शेयर रहा था। गुजरात में भी शून्य का ही आंकड़ा था, 26 सीटों में से 32 वोट शेयर रहा था। और इस बार हमने विधानसभा में भी देखा कि कैसा कमाल का प्रदर्शन किया है। ये आपके लिए है खासतौर से अखिलेश जी, गुजरात में भी शून्य सीटें, महाराष्ट्र में 48 में से सिर्फ एक सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी, वोट शेयर 16 का रहता है। कर्नाटक 28 सीटें आती है, सिर्फ एक सीटें जीती है कांग्रेस पार्टी। हिमाचल प्रदेश जहां पर आपने सरकार बनाई है, 4 में से 0 रहता है कांग्रेस का आंकड़ा। उत्तराखंड में 5 में 0 रहता है कांग्रेस का आंकड़ा। असम में 14 में से सिर्फ 3 सीटें जीतती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में 11 में 2 सीटें जीतती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश के 29 में से 29 लोकसभा में से सिर्फ 1 सीटें जीतती है कांग्रेस। और केरल में आपका सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा था, जहां की 20 में से 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है। लेकिन सीधे आनंद दुबे जी आपके पास आते हुए, चूंकि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, कभी इधर कभी उधर वो रहती रही है, इस वजह से मेरा ये सवाल है, देखिए जहां नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं उसके सामने राहुल गांधी क्या उतनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि राज्यों में हमने देखा है, खासतौर से अगर हम उड़ीसा उठाकर देख लें, पश्चिम बंगाल उठाकर देख लें, वहां पर राज्यों के लिए तो उन तमाम चेहरों को जनता चुन लेती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है वैसे मोदी के नाम पर मोहर लगा दी जाती है। फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राह इतनी आसान तो नहीं रहने वाली है ना, भारत जोड़ो यात्रा तो चल रही है लेकिन वोट जोड़ो यात्रा साथ साथ इससे जुड़ती हुई चली जाएगी क्या 2024 तक? देखिए चित्रा जी, ऐसा है, कोई माने या न माने, पिछले 8.5 वर्षों में मोदी जी की लोकप्रियता में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है। एक समय 2014 में भाजपा के समर्थक कहते थे कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने हैं तो 25 साल तक अब बीजेपी का ही प्रधानमंत्री चलता रहेगा, लेकिन आज जो 8.5 वर्षों में लोगों ने जाना समझा वो यह है कि नहीं, यदि सब इकट्ठे होते हैं, सभी अलग अलग विचारधारा की पार्टी अगर एक मंच पे आती है तो मोदी जी को और भाजपा को हराया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में है, हमारी महाविकास अघाड़ी के लोग इकट्ठे जब आते हैं तो भाजपा को कड़ी टक्कर देते हैं और आमने सामने की लड़ाई होती है और दोनों पार्टियों की सीटें बराबरी पर आ जाती है। इसका यह अर्थ होता है कि यह प्रयोग देश में भी किया जा सकता है। ठीक है, मोदी जी बड़े कद के नेता है, बीजेपी आज पूरी तरह मजबूत है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जिंदगी भर यही स्थिति रहेगी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा को शुरू शुरू में भाजपा कह रही थी कि हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते गया, लोग साथ में चलते गए, आज इतनी गंभीरता ले रही है बीजेपी कि चिट्ठी लिखकर हिदायत दे रही है कि राहुल जी थोड़े समय के लिए ही अपनी यात्रा या तो टाल दीजिए या तो कोरोना के नियम पालिए, आपकी यात्रा में बड़ी भीड़ हो रही है। तो औपचारिक रूप से बीजेपी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी से लोग जुड़ रहे हैं, उनकी यात्रा में भीड़ हो रही है। अगर चित्रा जी ये कारवा ऐसे ही भविष्य में चलता रहा, वह दिन दूर नहीं कि जब देश इकट्ठा होगा और देश स्वयं कह देगा कि अब हमारा नेतृत्व सब लोग मिलकर, जो भी मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, वो एक मंच पर आए और आप देश की बागडोर संभालिए, जैसे 1977 में हुआ था कि इंदिरा जी गांधी इतनी शक्तिशाली नेता थी लेकिन उनको भी लोगों ने उस समय हराया था। तो इस देश में चुनाव आप किसी को भी हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, क्योंकि जिताने और हराने वाला जनता जनार्दन होता है, और जनता जनार्दन का दिल जिस प्रकार राहुल गांधी जीत रहे हैं चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके साथ अलग अलग विचारधारा के दल एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं।